पंजाब में धान की खरीद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मंडियों में धान के ढेर लगे हैं और किसान आरोप लगा रहे हैं कि धान की लिफ्टिंग जो है नहीं हो रही है। राजनीति भी इसके ऊपर हो रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। हमारे साथ सरवण सिंह पंधेर हैं, किसान नेता हैं, उनसे समझते हैं। पंधेर साहब, ये समस्या क्या है और अभी कितनी है मंडियों में? जो अभी निकल कर आ रहा वो तो यह है, शेलर एंड पंजाब एंड केंद्र का समझौता नहीं हो रहा, जो निकल के मीडिया में आ रहा। हम नहीं समझते ये है केंद्र की जो नीति है खेती मंडी को निजीकरण करना, उसी नीति के तहत पंजाब हरियाणा को नुकसान डैमेज किया जा रहा। और दुख की बात, हमें केंद्र से कोई आस नहीं है भी केंद्र हमारे लिए कुछ करेगा। दुख की बात है, जिस आम आदमी पार्टी को हमने 92 MLA दिए, जो केजरीवाल हर बात पे ऊपर ट्वीट करते हैं, अगर कुछ भी केजरीवाल को सारा पंजाब वहाँ चला जाता है। हमारे CM साहब का वो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ते हैं, हर जगह जाते हैं। आप देखिए, कोई बोले पंजाब उजड़ रहा, पंजाब का धान की खरीदनी, किसान मर रहा है, एक शब्द तक नहीं बोला उन्होंने। तो हमारा दोष है भी केंद्र के साथ पंजाब सरकार मिली हुई है। क्या आज केजरीवाल जी 92 के 92 MLA लें, क्या PMO के घर के सामने नहीं बैठ सकते? इतना बड़ा संकट क्यों पैदा हो गया? तो हमें दुख है भी अकेला हमारा CM, हम मानते हैं हमने अपना CM बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसकी नहीं चलती, सुपर CM दिल्ली से चला रहे हैं। और पंजाब इतनी पॉलिटिकल जो वीकनेस हमने किसी सरकारों में नहीं देखी, इतनी आम आदमी में देख रहे हैं। थोड़ा सा अगर ब्रीफ में इसको बता दें कि समस्या क्या है, धान किसान ला रहा है मंडियों में, वो खरीदा नहीं जा रहा, या उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही, खरीदा नहीं जा रहा, तो वजह क्या है, शेलर कैसे इन्वॉल्व है, थोड़ा सा अगर? देखिए, दो बातें हैं। पहले तो जो MSP सरकार ऐलान करती है, गेहूं और धान पंजाब में खरीदा जाता, हरियाणा में भी इस बार हो रहा। अभी सेलरों ने बोल दिया भी हम धान लगाएंगे नहीं, ये डबल कस्टडी होती है, एक सेलर मालिक देता, एक पंजाब सरकार देता, बोला ये हम इस बार नहीं, क्योंकि पिछला चावल जो है अभी गोदामों में पड़ा हुआ, ये केंद्र सरकार ने उठाना था पिछली सर्दियों में, उन्होंने जानबूझकर नहीं उठाया, इस बार वो अड़ गए। उनको लग रहा हमें घाटा पड़ेगा, शेलर मालिक बोल रहे हमें घाटा पड़ेगा तो हम कट लगाएंगे, आड़तिया बोल रहा अगर शेलर मालिक कट लगाएंगे तो हम कट लगाएंगे। तो 200-300 रुपया पर क्विंटल या 5-6 किलो पर क्विंटल, कई गट्टे भी, तो वो कट लगाकर बिक रही है। अगर MSP से 300-400 रुपया कम रेट पर धान बिका तो पंजाब का किसान उजड़ जाएगा। और ये भी नहीं, 10-10 दिन मंडी में बैठना पड़ रहा है, तो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही पंजाब की मंडी। समस्या की जड़ यही है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है धान की मंडियों से। हाँ बिल्कुल, और ये एक गिनी मिथी साजिश के तहत किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है केंद्र अथवा पंजाब सरकार की ओर से। क्यों किया जा रहा जानबूझ के, आपको क्या लगता है? खेती मंडी प्राइवेट करनी है, असल WTO की नीति लागू करनी है, यार आंदोलनकारी है पंजाब के किसान, उनको सबक सिखाना ये बदले की भावना से। पंजाब सरकार तो केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार ने टाइमली गोदाम जो है वो खाली नहीं किए, इसलिए ये स्थिति हो गई है। हमने तो चिट्ठियां लिखी थी, कह रहे थे उनको। नहीं, चिट्ठियां लिखी, अपनी बार केजरीवाल अंदर जाए तो धरना लगाएं, NI का दफ्तर घेरे, पंजाब सारा मर गया, 92 MLA आपको दे दिया, आप हमारे बारे में कुछ भी ना करें, आप मिले हुए हैं, साफ करते हैं, भगवंत मान केजरीवाल जी केंद्र सरकार से मिलकर अपनी जान बचा रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फर्दर आप लोग क्या कर रहे हैं, किसान संगठन जो है इस मुद्दे को लेकर? 26 का हमने आंदोलन का आह्वान किया पंजाब के 4 जगहों के ऊपर, अनलिमिटेड टाइम के ऊपर लिए हम लोग धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, ये और भी होगा, पूरा पंजाब जाम होगा आने वाले समय। हम तो सरकार को समा दे रहे हैं, आज भी ये आशा करते हैं, पीछे सुपर CM बैठे हुए केजरीवाल साहब, वो कल इसके ऊपर बोलें, कल को मसला हल कर ले, हमें रोड ब्लॉक ना करनी पड़े। शॉर्ट में पराली के ऊपर भी बता दें, अगर पराली के ऊपर क्या है, क्योंकि पंजाब सरकार ने तो 1200 से करीब ज़्यादा FIR जो है कर दी है, रेड एंट्री हो रही है, फाइन भी पड़ रहा है। दुख की बात है ना, तो DAP मिल रही है हमें, पराली के ऊपर हमारे ऊपर पर्चे हो रहे हैं। मैं बोलता हूँ जो MSP से कम दाम पर खरीदा उसके ऊपर पर्चा कीजिए। हमें जो लग रहा है, देश की न्यायपालिका, देश की जितनी अफसरशाही, जितनी पॉलिटिकल क्लास है, कॉरपोरेट क्लास, सब किसान को मारने के लिए तुली हुई है, और हम मरने से पहले अंतिम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ये सरवण सिंह पंधेर हैं, किसान नेता हैं, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिले हुए हैं, इसीलिए जो धान की खरीद का जो संकट है वो पंजाब में इस वक्त है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार यूपी ने, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.